रेवाड़ी में एक व्यापारी की हत्या की वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जहां राजस्थान के अलवर का व्यापारी रेवाड़ी में पेमेंट लेने आया था, लेकिन रेवाड़ी के व्यापारी ने पैसे ना देकर अलवर के व्यापारी मंगत अरोड़ा को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात में उसका दो कर्मचारियों ने भी साथ दिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में रेवाड़ी पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं रेवाड़ी के थाना पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित उत्तम नगर में बने एक गोदाम में दफनाए गए मंगत अरोड़ा के शव को पुलिस निकालने पहुंची तो इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के अलवर जिले का मंगत अरोड़ा नाम का स्क्रैप मेटल व्यापारी रेवाड़ी के अंकित भालिया नाम के व्यापारी से 10 अगस्त को पेमेंट लेने आया था, लेकिन व्यापारी अलवर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद अलवर पुलिस ने 12 अगस्त को गुमशुदगी की 0 FIR दर्ज करके रेवाड़ी पुलिस को भेजी थी, जिसके बाद रेवाड़ी पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाने के लिए रेवाड़ी और अलवर के व्यापारी पुलिस अधीक्षक से मिले थे, जिसके बाद CIA पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई और पुलिस ने संदिग्ध कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की पूरी गुत्थी का राज खुल गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि अलवर के व्यापारी मंगत अरोड़ा को रेवाड़ी के व्यापारी अंकित भालिया से करीबन 30 लाख की पेमेंट लेनी थी, जिसके बाद 10 लाख की पेमेंट देने के लिए अंकित भालिया ने मंगत अरोड़ा को रेवाड़ी के उत्तम नगर स्थित अपने गोदाम पर बुलाया था, जहां अंकित भालिया ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर मंगत अरोड़ा की तार से गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव को गोदाम के अंदर ही 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। मृतक के परिजनों ने कहा कि CIA पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, लेकिन संबंधित थाना पुलिस तो वारदात का खुलासा होने से पहले तक आरोपियों की आवाभगत कर रही थी। आरोपी पुलिस थाने में इस तरह से पेश आ रहे थे जैसे आरोपियों ने कुछ किया नहीं है। परिजनों ने कहा कि 3 आरोपियों के अलावा कुछ और अन्य लोग भी इस वारदात में शामिल होने का उन्हें संदेह है, इसलिए पुलिस उनसे भी पूछताछ करे। बताया जा रहा है कि वारदात के मास्टरमाइंड अंकित भालिया सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस फिलहाल मीडिया के कैमरों के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं है। बहरहाल वारदात का खुलासा हो चुका है, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है और मामले की जाँच कर रही है। जब उसको डिटेन किया जा रहा था ना, जब बार बार हमारा कहना था कि आप अंकित के पास सब कुछ है, अंकित शायद ऐसे आकर बैठता था जैसे शायद वो पुलिस का बहुत बढ़िया हेल्पर होगा, वेल नोन है पुलिस का, और पुलिस उसे ऐसे बुलाती थी, उसकी आवभगत कर रही थी, तो हमें डाउट हो रहा था कि पुलिस की कार्यशैली पर हमें डाउट हो रहा था। अंत में जो हमारा शक था वो बिल्कुल वाजिब निकला और अंकित इस सारी घटना का सूत्रधार निकला और अंकित ने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। उससे वारदात के बाद आप सबके बीच ही था वारदात तक रात को? कल हमें जैसे उसका मोबाइल उन्होंने की जानकारी मिली, हमने बातचीत करी तो पुलिस के पास हम पहुंचे, पुलिस उस ड्राइवर को जिसके पास ये मोबाइल मिला, इसका मोबाइल ऑन हुआ मिला, उस ड्राइवर को डिटेन करके ले आई है। उसको डिटेन करने के बाद हम उसके लिए भी हेल्प करने पहुंचे थे, क्योंकि उसने अपना नंबर भी खुद दिया, बोले मेरा नंबर दे दीजिए, किसी को अगर मेरा ये मोबाइल ढूंढने में दिखा तो मेरे नंबर से मैं उनको एड्रेस बता दूंगा, यहाँ पहुँच जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपना नंबर दिया, स्वाभाविक सा वो अपना गलत नहीं होगा, अपना नंबर नहीं बांटेगा किसी को। उसने नंबर दिया, हमारे को उसकी भी चिंता थी, उसको पुलिस ने डिटेन कर दिया, क्योंकि अलवर शहर का राजस्थान का है तो शायद उस पर भी कुछ शक कह रहा था। लेकिन जब कॉल डिटेल हमने इसके मोबाइल को खोला, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो जो बातें ये कह रहा था उसके विपरीत सारी बातें वहाँ साबित हो रही थी। इसने कहा कि 10:45 और 11 के बीच में मैंने उसको 12 लाख रुपया दे दिया, मेरे पास से निकल गया था, और 11:30 बजे उसकी बातचीत रिकॉर्डिंग में साबित हो रहा था कि ये 11:30 भी कह रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपये देने आ रहा हूँ। उस समय थाने में पूछताछ अंकित वो जो सोम जी हैं और उसके चाचा हैं, वो जब हम थाने में पहुंचे और वो घर निकल गए, वो एक मिनट भी नहीं रुके। जैसे ही हम थाने में पहुंचते हैं, पुलिस की गाड़ी उसको ड्राइवर को लेकर आती है, उसी गाड़ी में से उतरते हैं। बस यही एक जो अंकित का जो भागने का कारण बनता है यही बनता है, तो वो लोग शायद घर गए हैं, और इसी आधार पर हम मैं कहना चाहता हूं कि अंकित के साथ ये लोग साजिश में शामिल हैं और उनको भी पुलिस गिरफ्तार करे, वो इसके साथी हैं, उन्होंने सहयोग। 1 लाख रुपए थे करीब, तो उसके लेने के लिए इन्होंने बुलाया था मेरे छोटे भाई मंगत अरोड़ा को। रिकॉर्डिंग है, उसने ये कहा था कि 10 लाख रुपये तो मैं कल ही दे आ जाऊँ, 10 लाख तो कल ही दे देता हूँ, बाकी के धीरे धीरे जैसे ही होगा महीने 15 दिन में और दे दूँगा। उसको बुलाने के बाद उसने अपने बोला कि मेरे गोदाम पे चलो, मेरी फैक्ट्री में, मैं वहाँ पे आपको पैसे दे देता हूँ 10 लाख रुपए, बाकी धीरे धीरे दे दूँगा। तो गोदाम पे लेके गए, वहाँ पे अंकित, वो अंकित था और एक वो विनोद, उसका विनोद और एक उसका जो और बंदा भी है जो दलाल था,
वो इन्होंने सतीश भी और एक एक, एक और भी है यार मनोज। हाँ तो ये चार पांच जने जो बंदे थे इन्होंने मेरे भाई का कोपर बिजली की तार से गला घोट के उसको मार दिया और पैसे एक भी नहीं दिया और उसको 5 फुट गहरा खड्डा खोद के उसमें दबा दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो